हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना आलिम। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू, चावल के आटे से लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स को देख लीजिए। ये है चावल की आटा। चावल के आटा मैंने ऐसे निकाली। सबसे पहले मैं चावल को वॉश करके आधा घंटा भिगो कर रख दिया था। उसके बाद मिक्सी में इसको मैंने पीस लिया, छन्नी से छान के यहाँ पे बाउल में मैंने रख दिया। ये है शुगर, इसको भी मैंने मिक्सी में पीस लिया। ये है कच्चे नारियल फ्रेंड्स, इनको मैंने कद्दूकस कर लिया। ये है इलायची पाउडर, इनको भी मैंने पीस लिया। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स है, काजू, आलमंड, और ये अखरोट को मैंने पीस के रख दिया। अब मैं एक बाउल लिया, इसमें मैं नारियल को डाल रही हूँ। नारियल के साथ मैं ये शुगर को ऐड कर रही हूँ। इनको मैं 5 मिनट ऐसे मिक्स करके ढक कर रख दूँगी ताकि चीनी और नारियल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने एक कढ़ाई ले लिया, इसको थोड़ी सी गर्म होने देती हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं ये चावल के आटा जो निकाल के रखा था वो इसमें डाल दी, हल्का सा भून रही हूँ मैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आग मीडियम आंच में होनी चाहिए। फुल फ्लेम में डालोगे तो आप चावल के आटा जल सकता है, इसलिए इसी तरह हिलाते रहिएगा ताकि नीचे लगे ना। अब मैं इनको निकाल रही हूँ हॉट पॉट में ताकि ये गरम गरम रहे, ठंडा ना हो। ढक रही हूँ। अब मैं दोबारा से कढ़ाई उठा दिया, इसमें मैं घी डाल रही हूँ, देसी घी। मैंने जो नारियल और शुगर को ऐड करके रखा था ये मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ। इनको भी मैं हल्की सी भून रही हूँ। अब मैं इनको नारियल को इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें ये ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर रही हूँ, काजू, बादाम, अखरोट के पाउडर। इलायची पाउडर इन सबको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मेरे सब कुछ रेडी है, अब मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ। देखिए, इसी तरह लड्डू बना के रखिएगा एक एक करके। फाइनली देखिए फ्रेंड्स, मेरा लड्डू बन के तैयार है। अब देखिए इनका आवाज़ कैसे कर रहा है, टूटेगा भी नहीं। अब मैं आखिर में एक चीज़ लगा रही हूँ, ये है मेरे पास सिल्वर क्लिप। अब मैं इनको ऊपर से लगा दूँगी। अब मैं इन लड्डू को जार में डाल दी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।